न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं, कहा अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में सभी का स्वागत। वीएन डायर्स में सीएम योगी ने किया सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन, कहा प्राकृतिक छेड़छाड़ से बढ़ेगी दुश्वारियां, उद्योग बंधुओं से किया गोरखपुर विकास में सहयोग की अपील। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए आईजी एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने किया पैदल मार्च, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। धनतेरस पर बाजार में पीतल कांसे के बर्तन, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं और साज सज्जा के सामानों की खरीदारी की रही धूम, महंगाई का रहा मिला जुला असर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मानसरोवर मंदिर की पूजा अर्चना, मंदिर की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। 26 नवंबर से चलने वाले मिजलिस रूबेला टीकाकरण अभियान के तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, अभियान की सफलता के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। महापौर ने दी नगरवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं, कहा विजय उत्सव का त्यौहार है दीपावली, कम से कम पटाखों का करें प्रयोग। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से आईजी और एसएसपी ने दी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कहा सुख समृद्धि और धन धान्य लेकर आए दीपावली। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक, राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश। और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने बकाया मानदेय राज्य कर्मचारी घोषित करने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना, कहा मांगे पूरी ना होने तक जारी रहेगा हड़ताल।